नाउ आई कम टू द नाइन्थ हाउस, ठीक है। तो एट्थ हाउस का जो जनरल नरेशन है वो लिखते हैं ना, कष्ट स्थान। एट्थ, ऑल काइंड ऑफ फियर, फीबियास, इंट्यूशन, कुंडलिनी इज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस तो नाइन्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ गुरु, धर्म स्थान, और इसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं भाग्य स्थान, ठीक है। इट इज ए हाउस ऑफ फेट। तो आपका जो भी इस जन्म का भाग्य है जिसके थ्रू आपको प्राप्ति होगी, वो सब कुछ नाइन्थ हाउस में आएगा। सभी तरीके के धार्मिक काम नाइन्थ हाउस में आएंगे। आपके पिताजी नाइन्थ हाउस में आएंगे। हाँ, इट इज ए हाउस ऑफ फादर, ठीक है। तो पिता को दो घर से देखते हैं, नाइन्थ से भी देखते हैं, टेंथ से भी देखते हैं, ठीक है। तो बट अभी मैं नाइन्थ से देखता हूँ। हाँ, नाइन्थ से लिखो आप, नाइन्थ से देखो, ठीक हो। कुछ किताबों में आपको टेंथ, ठीक है। तो हाँ, रिश्ता इस पिता, पिता है ना, इसमें आपका पिता एक रिश्ता हुआ और छोटा साला या साली। छोटा साला मतलब आपकी पत्नी से जो छोटा है, आपकी पत्नी से जो उनमें छोटा है, वो रिश्तों में वो आएगा। जो भी कहते हैं उसको, तो देवर, देवरानी, हाँ हाँ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इंग्लिश में आसान है। आपका स्पाउस का छोटा भाई बहन, वो सब कुछ नाइन्थ हाउस में आएंगे। तो आपकी जो भी धर्म से संबंधित चीज़ें हैं, आपका धार्मिक फिलॉसफी कैसी होगी, आप अपने धर्म को फॉलो करोगे कि आप धर्म चेंज करोगे, आपके गुरु होंगे नहीं होंगे, आपके गुरु से संबंध कैसे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति कैसी है, आप आध्यात्मिक हो नहीं हो, क्या आप में कभी पॉसिबिलिटी है कि आप आध्यात्मिक होगे, ये सब कुछ नाइन्थ हाउस में आएगा। इट इज़ ए हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो आप आस्तिक रहोगे, नास्तिक रहोगे, ये सब कुछ नाइन्थ हाउस के अंदर आएगा। इसको अपन जनरल भाषा में, अदर देन द हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसको जनरल भाषा में कहते हैं भाग्य स्थान, ठीक है। तो आपको भाग्य के थ्रू जो भी मिलेगा, आपको पिता कैसे मिलते हैं, बिकॉज यू डोंट चूज, कैन यू चूज गुरु, डू यू हैव अ चॉइस टू बिकम रिलीजियस और स्पिरिचुअल, नो। तो सब कुछ जो कि गॉड गिफ्टेड है वो नाइन्थ हाउस में आएगा। तो वो तो उसकी कुंडली में अपन देखेंगे कि अब ये कभी इसका स्वास्तिक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है, लोगों की चीजें बदलती हैं, वो देश काल के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है। मैं एक जमाने में नास्तिक था, हाँ, ये समय समय बदलता है। तो नास्तिक आस्तिक बदलते हैं, आस्तिक नास्तिक। आपका बच्चा पहले से तो इतना आस्तिक नहीं होगा ना, अब हो गया गुरुजी से मिलकर, पाँच साल से हो गया। तो इट, तो हम भी सब ऐसे, हाँ हम भी सब ऐसे ही हैं, है ना। तो ये टाइम के थ्रू चेंज होता है। अब भाग्य आपका बलवान है, भाग्य कमजोर है, आपको आपके पिता के साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपको आपका, क्योंकि चूंकि ये पिता का स्थान है इसलिए आपका ये नेटिव प्लेस भी है, वेयर योर फादर, जनरली नेटिव प्लेस से हम किसे मानते हैं, जहाँ पर हमारा पिताजी रहते हैं। अगर आप, हम और हमारे पिताजी एक ही साथ रहते हैं तो हमारा घर है वो, बट जैसे मैं बाहर रहता हूँ, अपने में से काफ़ी सारे लोग अपने पिता से अलग रहते हैं, तो वो आपका नेटिव प्लेस भी नाइन्थ हाउस है। हर तरीके की धार्मिक यात्राएं नाइन्थ हाउस में आएंगी, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज जिसे अपन कहते हैं, कि मैं यात्रा पर कब जाऊँगा, मैं एडवांस कोर्स करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मेरे कोर्सेज होंगे कि नहीं होंगे, ये जो यस यस दान ऑल्सो कम्स इन टू नाइन्थ हाउस, यस यस यस, ठीक है। एंड सेवन्थ हाउस जो अपन पीछे छोड़ दिए थे ना, दैट इज अ हाउस ऑफ मेडिटेशन। एट्थ हाउस इज अ हाउस ऑफ तांत्रिक वांत्रिक साधना एंड समाधि। हाउस ऑफ मैरिज ऑल्सो, और हाउस ऑफ सेक्स ऑल्सो, एंड हाउस ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो।
ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए समाधि मे बी। तो नाइन्थ हाउस जो आपका, इसको हम कहते हैं भाग्य स्थान। तो भाग्य से संबंधित जितने ही मसले होंगे वो सब कुछ नाइन्थ हाउस के अंदर में आएंगे। क्या क्या हो सकता है आप एक्सप्लोर करो। ये हाउस अच्छा है अगर ओवरऑल, तो ऐसा कहेंगे कि राहुल गांधी भाग्य अच्छा है। और क्या है जिनको हम कहते हैं करोड़पति की औलादे हैं, वो सब नाइन्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज आप देखोगे तो उनमें जरूरी नहीं है कि बहुत प्रतिभा हो, बट दे, हम जिसको कहते हैं दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो ये सब जो है इनका भाग्य बलवान है। भाग्य बलवान है तो गधा पहलवान है, सीधी सी बात है ना। तो ये सब कुछ नाइन्थ हाउस से देखेंगे हम। नाइन्थ हाउस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, बिकॉज कर्म के बाद भी हमें कुछ बचता है जो कि भाग्य से ही मिलता है। तो लास्ट पुश जो है वो भाग्य का रहता ही है, और ये सब हम कभी ना कभी रियलाइज करते ही हैं कि भाग्य का पुश होना बहुत जरूरी है, चाहे हम माने या ना माने, इंटरनली हम सब रियलाइज करते हैं। ठीक है, कि इसलिए ये स्थान को, ये स्थान का अच्छा होना कुंडली में अच्छा माना जाता है, ये स्थान का खराब होना, बहुत मेहनत करना, बहुत एफर्ट करने के बावजूद भी कहते हैं भाग्यशाली नहीं है। मेहनत बहुत करता है बट भाग्यशाली नहीं है। तो पीपल हु आर वर्किंग लोअर टू यू, दे पीपल जो कि बहुत नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी आप देखोगे तो लेबर को देखो आप हमसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा मेहनत करता है। मेरे से कोई बोल दे एक गड्ढा खोद दे तो मैं भर्ती हो जाऊंगा अस्पताल में जाके, अभी है ना, आप हमसे ज्यादा मेहनत करता है, बट वो भाग्यशाली नहीं है। इसीलिए उसको पैसे भी सबसे कम मिलते हैं, उसको सम्मान भी सबसे कम मिलता है। तो इसीलिए हाउस ऑफ फेट, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी गुड, और मे बी इट इज गुड अगर ये अच्छा है तो सब जो व्यक्ति है उसका जीवन आसान हो जाता है, उसको जीवन में काफी सारी चीजें जो है वो आसानी से मिलने लगती है। हाँ, भाग्य से चलकर चीजें आने लगती हैं, अपॉर्चुनिटी चल के आने लगती है, कन्वर्ट भी होने लगती है। ठीक है, तो आप देखो, आपको जनरली आपको किसी एस्ट्रोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। आप जनरली बोलोगे कोई चीज आपसे लूज होगी तो आपको मुंह से निकलेगा ही मेरे भाग्य में नहीं होगा यार, बोलते ना ऐसा, भाग्य में नहीं होगा, मेरी किस्मत में ही नहीं था। तो किस्मत का हाउस है, है ना, इट इज ए हाउस ऑफ लक, सो इट इज ए हाउस ऑफ लक। तो भाग्य स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो पीठाधीश नाइन्थ हाउस इज ए हाउस ऑफ जुडिशरी ऑल्सो, जुडिशरी का हाउस है, पूरे जज वज ये सब नाइन्थ हाउस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी मतलब जो जज थे वो पुराने जमाने में उनको क्या कहते थे, धर्माधिकारी। तो सिंस इट इज ए हाउस ऑफ धर्म, ऑल काइंड ऑफ धर्म कम्स इनटू दिस। तो आपके जीवन के अंदर कौन कौन से रोल या कैसे आप अपने जीवन के अंदर हर रोल को देखते हो, ये नाइन्थ हाउस में आएगा। आपके कई धर्म है, आपका पुत्र की तरह एक धर्म है, पिता की तरह एक धर्म है, पति की तरह एक धर्म है, एक सिटीजन की तरह धर्म है, और एक खुद के लिए सेल्फ के लिए, ये 4-5 धर्म अपन ने बताए। तो उनमें से आप उनको किस तरीके से देखते हो और कैसे उस रोल को जस्टिफाई करते हो, ये सब कुछ नाइन्थ हाउस पर डिपेंड करता है। दैट इज वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। से सपोज यू आर वेरी, आपका धन स्थान अच्छा है, भाग्य स्थान एवरेज है, आपको धन खूब मिल रहा है, बट आप अच्छी संतान नहीं, क्योंकि आप वो वाला रोल ढंग से नहीं करते। तो सभी तरीके के धर्म, चाहे वो, हम धर्म का मतलब क्या समझते हैं कि जो हम कर्म कांड करते हैं वो धर्म है, या फिर हम अध्यात्म करते हैं, ध्यान करते हैं, वो धर्म है। इसके अलावा भी जो हमारे धर्म है, जैसे मैंने बताया 4-5 और भी कुछ होते होंगे, वो सभी तरीके के धर्मों का रिप्रेजेंटेशन वो नाइन्थ हाउस में आएगा। ठीक है, तो देशद्रोही कोई होता है तो वो नाइन्थ हाउस बिगड़ा होता है, क्योंकि देश प्रेम एक धर्म है भाई। आयु आपका धर्म है ना, देश से, आपकी मातृभूमि से प्रेम करना, तो वो नाइन्थ हाउस से संबंधित है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा नाइन्थ हाउस में? ठीक है, सेना के अधिकारी उसमें नहीं, उनका जॉब है, बट उसका नाइन्थ हाउस बलवान रहेगा। और ये मीडिया वाले जो बदमाश है, नहीं, मैंने एक उदाहरण दिया, वो कमजोर तो क्या पता, वो देखने में पता चलेगा, बट हो सकता है वो ट्रांजिट में खराब हो जाए, फिर वो ठीक हो जाए। जैसे अपन ने अभी बात की कि उसमें थोड़ा सा इल इफेक्ट है, वो समय का उसको
एकदम से कोई आध्यात्मिक हो जाता है, फिर कोई नास्तिक हो जाता है, फिर आस्तिक हो जाता है, तो ये पेंडुलम जैसे चलता रहता है। मदर टेरेसा? अच्छा राधे माँ? नाइन हाउस मैं बताता हूँ आपको, उसका एक कारण है। मैंने जैसा बोला आपको ईश्वर प्रदत्त जो प्रतिभाएं हैं वो सब नाइन्थ हाउस में आएंगी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि वो आडंबर करता है कि नहीं करता, बट लोगों को प्रभावित करने की क्षमता नाइन्थ हाउस में है, क्योंकि जिन लोगों का ये हाउस बलवान होता है उनमें से रेडिएशन निकलते हैं। आप जिससे धोखा खाते हो उससे प्रभावित होते हो तब धोखा खाते हो, बिना प्रभावित हुए धोखा नहीं खाते आप। राधे माँ क्रोक है कि संत है, इस पर नहीं जाओ, लेकिन उसमें करिश्मा है कि नहीं? आसाराम जी अच्छे हैं बुरे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनके अंदर वो रेडिएशन है कि वो करोड़ों लोगों को उन्होंने बनाया। उनने गलत किया सही किया वो उनके कर्म स्थान से देखेंगे। तो जो रेडिएशन निकलते हैं, जो गॉड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो गॉड गिफ्टेड है वो सब कुछ नाइन्थ हाउस से आएगा। तो यू कैन नॉट चेंज योर ऑरा। उनका ऑरा जो जितना प्रबल होता है, तो आप देखो, आप इसको धीरे धीरे जब आप ज्योतिष में घुसोगे तो आप समझने लगोगे। आपको समझ में आता है ना एक आदमी को देख के कि ये बहुत करोड़पति आदमी है? समझ में आता है कि नहीं आता? वो ऑरा उसने तो नहीं बनाया, बट हमें नेकेड आई से भी समझ में आता है यार इससे ढंग से बात करना। और आपको एक लेवर को देख के समझ में आएगा ये लेवर। यू अंडरस्टैंड कि कौन व्यक्ति की क्या औकात है उसको देख के हर व्यक्ति समझता है। उसका कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, उसका कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, ठीक है? बट अपन एक अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, एक नॉर्मल अपने यहाँ कैसा जनरल कहावत है, पैसे की चमक है भाई, है ना? पैसा आता है तो चमक अपने आप आ जाती है। वो चमक नहीं है, वो ऑरा भाग्य बलवान हो रहा है तो वो ऑरा बढ़ता जाता है, तो वो ऑरा बढ़ता जाता है तो वो चमक बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि वो ओरिफ्लेम की क्रीम लगा रही है रोज। तो इसीलिए ध्यान करने से आपका ऑरा बढ़ता, आपका भाग्य बलवान होता। इसीलिए व्हेन यू मेडिटेट तो आप अच्छे लगने लगते हो, यू बिकम ब्यूटीफुल, ठीक है? तो आपका जो भगवान से दिया हुआ है वो बढ़ने लगता है। तो दैट इज अ हाउस ऑफ गॉड गिफ्ट, भाग्य स्थान। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? हाँ, बॉडी पार्ट में पीठ आएगा, और रिश्तों में पिताजी आएंगे और स्पाउस का छोटा भाई बहन, ठीक है? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट हाउस, दैट इज कॉल्ड 10th हाउस।